हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्पायर कोचिंग। माय नेम इज राची केसरवानी। आज हम वायरस टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी बुक में वर्ड दिया होता है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि वायरस क्या होता है। क्लियर? ई सेल्यूलर, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फिल्टरेबल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ई सेलुलर, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फिल्टरेबल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन कल्टीवेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। वायरस क्या होते हैं? ए सेलुलर, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फिल्टरेबल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन कल्टीवेटेड, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अब तक की वायरस की सबसे अच्छी डिफिनेशन आई थिंक यही होगी। ए सेलुलर मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए सेलुलर? अगेन, ए सेलुलर, ए मीन्स नहीं, सेलुलर मीन्स कोशिकीय संगठन यानी सेल, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका जैसी संरचना। इसमें क्या होती है? नहीं होती है। ए मीन्स नहीं, सेलुलर यानी सेल, सेल चैप्टर क्लास 9th, द फंडामेंटल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे ये पढ़े भी होंगे, जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, राइबोसोम एक्सेट्रा आप पढ़ते हो। ए सेलुलर, यहाँ पे कोशिका जैसी संरचना वायरस में नहीं होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी, अगेन इनके पास विकल्प नहीं होता है, विकल्प नहीं होता, दैट मीन वो निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग में जाएंगे तो नॉन लिविंग थिंग कैरेक्टर शो करेंगे, और लिविंग थिंग में जाएंगे इफेक्ट देंगे तो वो लिविंग थिंग कैरेक्टर शो करेंगे, जिसमें दोनों में नहीं रह सकते कि नॉन लिविंग लिविंग दोनों में जाए एक ही टाइम पे। इसलिए क्या है, इनके पास विकल्प नहीं होता, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फिल्टरेबल, फिल्टरेबल दैट्स मीन क्या होता है, जो छन जाते हैं, ये किससे छोटे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, शेप एंड साइज, ये क्या होते हैं, छन जाते हैं, मतलब इसको छानेंगे, मतलब ये इससे छोटे होते हैं, किससे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, नॉन कल्टीवेटेड, दैट मीन नॉन कल्टीवेटेड, इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते आप, कहीं पे लैब में उगा सकते हो, नहीं उगा सकते, दैट मीन कॉल नॉन कल्टीवेटेड, न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बेटा डीएनए दैट्स मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लास 8 एनसीईआरटी। वायरस में दोनों नहीं होता, नॉट बोथ कंटेन, दोनों नहीं होता, यहाँ पे और होता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, यहाँ पे दोनों नहीं हो सकता, यहाँ पे या ना कोई एक पाया जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। प्रोटीन, प्रोटीन आप बायोमोलेक्यूल्स में पढ़े होंगे चैप्टर में, प्रोटीन पार्टिकल्स
मतलब जो कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट फिल्टरेबल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नॉन कल्टिवेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स को वायरस कहते हैं। नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीन शॉट ले लो। एक वर्ड यहाँ पे था न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। यहाँ पे आपको बताया ना, इसमें दो ही चीज है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए, बट यहाँ पे क्या होता है, एक होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एंड डीएनए डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अगेन जब आरएनए पाया जाएगा तो वहां पे डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, मतलब वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। क्लियर? अगेन आप स्क्रीन शॉट ले लो या नोट कर लो। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा आपका। तो आप लोगों ने क्या सीखा है कि वायरस क्या होता है? ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट फिल्टरेबल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन कल्टिवेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कॉल्ड वायरस। अगेन हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियो प्रोटीन में डीएनए या आरएनए होगा। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा कि डीएनए या आरएनए है, यहाँ पे दोनों नहीं पाया जाता है। क्लियर? डिस्कवर्ड बाय दमित्री इवानोवस्की। इन 1892 इसको किसने खोजा था? दमित्री इवानोविस्की सर ने खोजा था 1892 में। क्लियर दैट? टर्म्ड गिवन बाय, और ये शब्द किसने दिया है? बीजेरिनिक सर ने। इन 1899 कांटेजीवम विवम फ्लूडियम। बस इतना आपको 9th-10th क्लास में आपको इतना ही जानना है। क्लियर दैट? किसको डिस्कवर किसने किया है? दमित्री इवानोवस्की सर ने 1892 में, और टर्म गिवन बाय द विजेरिन सर 1898। क्लियर? क्लियर दैट? आपने भी सुना ना, डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अभी आपको बताया ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब डीएनए मोस्टली एनिमल्स में इफेक्ट डालता है, जो एनिमल डिसीज होती है, वायरल डिसीज, एनिमल डिसीज जो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी में मिलेगा। और आरएनए मोस्टली प्लांट वायरल डिसीज लाइक अ टीएमवी।
आपको डिसीज नेम की लिस्ट भी देंगे, टोबैकोमोसिस वायरस लाइक टीएमवी, मतलब तंबाकू की पत्ती में वायरल होने वायरस से होने वाले डिसीज को कहते हैं टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर? आई थिंक इट क्लास 10th के हिसाब से ये वायरस टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल बात करेंगे। कोई भी सेक्शन वायरस से आपको नहीं आता होगा, मतलब वायरस अभी तक भी आपने जो भी पढ़ा होगा किसी भी क्लास 10th क्लास तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज कहीं भी मैसेज व्हाट्सएप, दैट्स योर चॉइस। थैंक यू।